हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 कथनी और करनी का अभ्यास है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सोचकर बताइए। आपको इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सोचना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। आपको अपनी सोच के हिसाब से ही लिखना है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, सोचिए और लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों ऐसा लिखा होता है। आपको ये भी सोचना है कहाँ कहाँ आपने ये सब कुछ देखा है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, और क्यों लिखा हुआ होता है वो भी आपको इसमें आंसर में बताना है। थर्ड, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, फूल में ऐसी क्या खासियत है जो सबको अच्छे लगते हैं, इसका भी उत्तर आपको स्वयं लिखना है। फोर्थ, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, लाइन, ठीक है, कतार मीन्स लाइन में खड़े रहते हैं, आपको उसके बारे में भी 2-3 जगहों के नाम लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए, मैच द फॉलोइंग आपको इसमें बनाने हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया है इसमें कौन कौन सा चिन्ह दिया है और उसको क्या कहते हैं, वो हम पहले ग्रामर में सीख चुके हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको ब दिया हुआ है, उसमें भी इसी तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। देखिए, मैंने बता दिया है आपको किस तरह से ये करना है, ठीक है, फूल तोड़ना मना है, फिर फुल स्टॉप, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से जाति वाचक संज्ञा के आसपास सर्कल चिन्ह कीजिए, ठीक है, गोला बनाना है उधर, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद फोर्थ जो है, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती हैं या नहीं, चर्चा कीजिए। ये चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे, तब तक आपको इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, समझ